हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्लैशर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका नाम है स्लम्बर पार्टी मैसेकर। 1982 की फिल्म है। इस मूवी की थ्रिलिंग सिचुएशन आपको हमेशा एंगेज रखेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें पता चलता है कि एक मास मर्डरर अपनी जेल से भाग चुका है। बाद में रेडियो में भी यही न्यूज आ रही थी। इस मर्डरर ने 5 लोगों का एक साथ मर्डर किया था। इसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर, इसका नाम है त्रिश, इसे हम देख सकते हैं। उसके पेरेंट्स उसे घर में रहने के लिए सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, क्योंकि उसके फादर का कुछ काम था इसलिए वो कंट्री से बाहर जा रहे थे। उसकी मदर उसे सब कुछ समझा देती है और कुछ भी उल्टा सीधा करने के लिए मना करती है। इनकी नेबर भी है जिनका नाम है कंटेंट। इसकी मदर कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मिस्टर कंटेंट है यहाँ और वो भी त्रिश पर नजर रखेंगे। त्रिश के पास बचपन के जो भी कुछ खिलौने थे वो सब अपने रूम से उसने निकाला और डस्टबिन में डाल दिया। इस बारबी को कोई उठाता हुआ हम देख सकते हैं। इसके बाद त्रिश के स्कूल के लड़के जिनका नाम है जेफ और नील हमसे इंट्रोड्यूस होते हैं। इनके स्कूल में एक नई लड़की आई है जिसका नाम है वैलरी। इसके बारे में बात कर रहे थे। स्कूल के रूफटॉप पर एक ब्यूटीफुल सी लड़की काम कर रही थी। उसके पास इनमें से जेफ गया और उसे वो फ्लर्ट करता है। पूछता है, क्या कभी तुमने अपनी एज से छोटे लड़की को डेट करने का सोचा है? वो इस पर हंस देती है और अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। ये दोनों जब आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी कार में स्ट्रगल कर रही थी। ड्रिलिंग मशीन से उसका कार में ही मर्डर कर दिया गया। जेफ और नील सब लड़कियों का बास्केटबॉल देखने के लिए आए हुए थे। इसमें जो नई लड़की है जिसका नाम है वैलरी, ये अच्छे से बास्केटबॉल खेल सकती है। शॉवर में त्रिश अपने फ्रेंड्स के साथ थी तो उन्हें कहती है कि आज मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है, हम सब फ्रेंड्स मिलकर पार्टी कर सकते हैं। वो नहीं चाहती कि इस पार्टी में कोई भी बॉयज आए। जैसे बचपन में वो स्लीप ओवर करते थे उसी टाइप से आज भी वो मजे करना चाहती है। स्कूल की न्यू गर्ल वैलरी ये त्रिश के घर के सामने ही रहती है तो वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि हम उसे भी इनवाइट कर सकते हैं। उसे उसकी फ्रेंड डायन इसके लिए मना करती है क्योंकि वो वैलरी को पसंद नहीं करती। वैलरी बास्केटबॉल में अच्छी है तो यही रीजन था उसे पसंद ना करने का। त्रिश पूछती है तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है। उसकी फ्रेंड्स कहती है कि वैलरी का सब कुछ बहुत ही परफेक्ट होता है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो इन सब से ज्यादा घुल मिलती भी नहीं। रीजन कोई भी हो पर फिर भी त्रिश वैलरी को बुलाना चाहती थी। वैलरी ने इनकी सब बातें सुन ली, उसे बुरा लगा और वहां से गुस्से में चली जाती है। बास्केटबॉल हॉल के बाहर ही अभी अभी हमने मर्डर होता देखा है। यही मर्डरर और इसे हम स्लैशर भी बुला सकते हैं। सब लड़कियां अपनी प्रैक्टिस खत्म होकर बाहर आई। इसमें से एक लड़की जिसका नाम था डायन ये कुछ भूल चुकी थी। पूरा हॉल खाली था तो अकेली अंदर जाती है। कोच ने देखा और उसे वार्न करती है कि जल्दी से अपनी चीज लेकर बाहर आ जाना वरना सब कुछ लॉक कर दिया जाएगा। लिंडा ने उसे जो चाहिए था वो लॉकर से निकाल लिया पर जब वो वापस आए तो ऑलरेडी सब कुछ लॉक हो चुका था। अचानक से पीछे से स्लैशर एक ड्रिलिंग मशीन से उस पर हमला कर देता है। वो सावधान हो गई थी तो सिर्फ उसके हाथ पर चोट आती है। वो जल्दी से वहां से शावर की तरफ भाग जाती है। एक कॉर्नर के नीचे वो छुप गई। स्लैशर हर जगह पर उसे ढूंढता है, कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहा था। लिंडा की चोट की वजह से उसका ब्लड बह रहा था। ब्लड डोर से होते हुए लीक हो गया। ये स्लैशर ने देख लिया, डोर ओपन कर उसने उसका मर्डर कर दिया। त्रिश की फ्रेंड डायन जब अपने घर जा रही थी तो उसका कोई पीछा कर रहा था। डायन ने रियलाइज किया और उसको पटक दिया। बाद में वो रियलाइज करती है कि उसका बॉयफ्रेंड ही है। वो बेचारा हर्ट हो गया था। डायन वार्न करती है कि बाद में फिर से ऐसा मत करना। उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ आज रात हैंग आउट करना चाहता था पर डायन कहती है कि आज मेरी फ्रेंड त्रिश के यहाँ स्लीप ओवर है तो वही वो जाएगी। वो कहता है क्या तुम कुछ बहाना नहीं बना सकती। डायन कहती है मैं कुछ ना कुछ तो ट्राई करूंगी। अब रात हो चुकी थी, त्रिश अकेली थी तो अचानक से उसे घर में कुछ आवाज आया। बहुत ही डर जाती है, जल्दी से अपना डोर ओपन करने की कोशिश करती है पर उसके पीछे उसके नेबर कंटेंट थे। वो और भी सरप्राइज्ड हो गए। कंटेंट कहते हैं तुम्हारा डोर ओपन था, तुम्हें सिर्फ देखने के लिए आया हुआ था। त्रिश को डरा हुआ देखकर वो भी डर चुके थे। वो कहती कि मैं अकेली थी इस वजह से और भी ज्यादा डर रही हूँ। उसे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मिस्टर कंटेंट कहते हैं जब तक तुम्हारी फ्रेंड्स आ नहीं जाती तब तक मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ, यानी कि तुम्हें डर नहीं लगेगा। नेक्स्ट सीन में हम फिर से जेफ और नील को देखते हैं। उन्हें त्रिश के यहाँ के स्लीप ओवर के बारे में पता था। ये डिसाइड करते हैं कि रात में उनके पास जाएंगे और उन्हें डरा देंगे। थोड़ी देर में त्रिश के यहाँ उसके फ्रेंड्स आए। उन्होंने बियर और कुछ ड्रग्स भी लाए हुए थे। त्रिश डर रही थी कि मिस्टर कंटेंट को पता ना चले पर उन्होंने देख लिया। वो उसे कहते हैं कि जरा केयरफुल रहना, वो त्रिश के पेरेंट्स को इसके बारे में नहीं बताएंगे। वो फिर वहां से चले गए।
त्रिश के घर के सामने वैलरी रहती है। वैलरी और उसकी सिस्टर ये दोनों आज रात अकेले हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स कहीं बाहर गए हुए हैं। वैलरी की सिस्टर वैलरी से पूछती है कि आगे के घर में तो पार्टी चल रही है, क्या तुम इन्वाइटेड नहीं थी? वैलरी ने कहा मुझे इन्वाइट किया गया था पर मैं ही नहीं गई। त्रिश अपने फ्रेंड से बात कर रही थी तभी कुछ फूटने का आवाज आया। वो जब किचन में आई तो हीटिंग के लिए उसने एक पॉट रख दिया था, उसके उस पर ध्यान नहीं था तो फूट चुका था। फिर से हम देखते हैं वैलरी और उसकी सिस्टर जब हैंग आउट कर रहे थे तो अचानक से बाहर से कुछ आवाज आया। उसकी डस्टबिन नीचे गिरी हुई थी। उसने आसपास देखा तो उसके गार्डन में जो झूला है वो ऑटोमेटिक झूल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेफ और नील ये त्रिश के यहाँ पहुंच चुके थे। ये सब गर्ल्स अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी तो सब मजे ले रहे थे। त्रिश अपने फ्रेंड्स के लिए पिज्जा वगैरह मंगवाती है। ये फायर प्लेस जलाने वाले थे तो यही लकड़ियां लेने के लिए डायन बाहर गए। डायन को इनके गैराज के पास से फिर से मिस्टर कंटेंट मिलते हैं। डायन ने लकड़ी उठाई तो उसमें स्नेल थी। वो बहुत डर गई थी तो मिस्टर कंटेंट ने स्नेल को मार दिया। वो कहते हैं कि यही स्नेल्स मेरे गार्डन को खराब करते हैं, इन्हें मारने का काम वो बाहर कर रहे थे। ये सब गर्ल्स अंदर अपना हॉरोस्कोप पढ़ रही थी तभी अचानक से बाहर से कुछ आवाज आई। त्रिश खिड़की में देखने के लिए गए तो उसकी डॉल को उल्टा सीधा कर वहां लटकाया गया था, उस पर ब्लड भी था। वो बहुत डर गए पर उसकी फ्रेंड कहती है कि जेफ और नील होंगे, उन्हें पता था कि आज हमारे यहाँ पार्टी है। त्रिश कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी। डायन गैराज में गई थी पर उसने लॉक नहीं किया था। अंदर जाकर वो सही से लॉक कर आते हैं। थोड़ी देर में डायन को उसका बॉयफ्रेंड का कॉल आया। ये क्यूट सी बातें कर रहे थे तो उनकी फ्रेंड सब कुछ सुनती है। उन्होंने फोन पर हंस दिया और डायन को पता चल गया। अचानक से घर की लाइट चली गई। त्रिश कहती कि हमें जाकर फ्यूज बॉक्स चेक करना पड़ेगा। ये सब डरते हुए स्विच तक पहुंच जाते हैं। त्रिश नोटिस करती है यहाँ से तो बहुत सारे फ्यूज गायब है। इन्होंने टॉर्च जलाई तो एक आदमी का लेग देखा। वो जल्दी से उसे नीचे गिरा देते हैं। ये हमारे नील और जेफी थे, वो सिर्फ उन्हें डराना चाहते थे। इसके बाद ये सब अंदर चले गए। वैलरी को फिर से लगा कि बाहर कोई ना कोई तो है। वो देखने के लिए गई तो पीछे से उसकी सिस्टर उसे डरा देती है। आज रात डायन का बॉयफ्रेंड उसे मिलना चाहता था तो त्रिश के घर में आ गया। डायन ने गैराज का लॉक खोलकर उसे अनलॉक ही रहने दिया। ये दोनों फिर गाड़ी में ही मेकआउट करने लग जाते हैं। डायन के बॉयफ्रेंड को यही इंटीमेट होना था पर डायन इसके लिए मना करती है। वो कहता है कि मेरे घर पर कोई भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो हम वहां जा सकते हैं। डायन ने कहा कि मैं परमिशन लेकर आती हूँ। उसने अंदर आकर त्रिश से पूछा। त्रिश को बुरा लगा पर कहती है मैं तुम्हें कोई भी कंपल्सरी कर नहीं सकती। डायन जब फिर से उसके बॉयफ्रेंड की गाड़ी में आई तो बॉयफ्रेंड का सर धड़ से अलग हो चुका था। डायन डर कर कार का हॉर्न बजाती है, अपने फ्रेंड्स को बुला रही थी। घर में उसके फ्रेंड्स ड्रिंक बना रहे थे तो मिक्सर की आवाज की वजह से वो कुछ भी सुन नहीं पाए। स्लैशर वही था तो उसने डायन पर हमला कर दिया। आगे वैलरी और उसकी सिस्टर ये हॉन्किंग सुनती है। सिस्टर पूछती है वहां चल क्या रहा होगा। वैलरी कहती है ये सब लोग हमेशा पार्टी करते रहते हैं, नॉइजेस से हमें वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में त्रिश और उसके फ्रेंड्स का पिज्जा आया। इन्होंने जब डोर ओपन किया तो पिज्जा बॉय के दोनों आंखों में ड्रिल किया गया था, डायरेक्टली उसकी बॉडी ही इन पर पड़ी। ये सब बहुत ही डर चुके थे, जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं। ये जब सब हो रहा था त्रिश फोन पर अपने कोच से बात कर रही थी। इन लड़कियों की चीखें कोच ने सुन ली। त्रिश जल्दी से फोन रख कर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। वो अपना एड्रेस बताने वाली थी तभी स्लैशर ने उनकी घर की लाइन काट दी। कोच वरीड थी तो उसने वैलरी को कॉल लगाया। वैलरी कहती है शायद वो पार्टी ही कर रहे हैं, आपको कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। कोच कहती है पर फिर भी मुझे देखकर आना पड़ेगा। त्रिश और उसके फ्रेंड्स ने सब घर को लॉक कर लिया था, अब आगे क्या किया जाए इसकी वो प्लानिंग कर रहे थे। डिसाइड करते हैं पूरे घर के लाइट्स को बंद कर देंगे यानी कि स्लैशर को कुछ भी पता ना चले। घर की टेलीफोन लाइन्स कट चुकी है पर इन्हें किसी ना किसी से तो कॉन्टेक्ट करना ही पड़ेगा। जेफ ने कहा कि आगे ही वैलरी का घर है, वहां जाकर हम हेल्प मांग सकते हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि जल्दी से भागकर वो जाने वाले हैं, अगर एक साथ गए तो दोनों मारे जाएंगे तो इसलिए अलग अलग रास्ते से हो जाएंगे। उन्होंने अपने साथ नाइव्स ली, सबको बचाने का यही तरीका था तो जान की बाजी लगाने के लिए ये दोनों रेडी थे। जेफ बाहर निकलकर जल्दी से गैराज में गया, वहां पर डायरेक्टली उसे डायन की बॉडी ही मिलती है। उसके पीछे स्लैशर खड़ा था, उसने उसके शोल्डर में ही ड्रिल कर दिया। ये सब होते वक्त नील सक्सेसफुली वैलरी के घर तक पहुंच गया था। वो डोर पर नॉक करता है पर वैलरी एक हॉरर मूवी देख रही थी। इस मूवी का नॉइस सबसे ज्यादा था तो कुछ सुन नहीं पाई। नील कंटिन्यूसली नॉक करता रहता है, वैलरी को थोड़ा सा आवाज सुनाई दिया। तब तक नील के पास स्लैशर पहुंच चुका था। वो जब तक डोर तक आई
तब तक स्लैशर ने नील को मार दिया। वैलरी ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। स्लैशर फिर नील की बॉडी गाड़ी के ट्रंक में डाल देता है। यहीं पर मिस्टर कंटेंट की भी बॉडी हम देख सकते हैं। वो बाहर ही थे तो स्लैशर ने पहले उन्हें ही मारा था। स्लैशर ने नोटिस किया कि जेफ की बॉडी यहाँ नहीं है। वो अभी भी जिंदा था और हेल्प के लिए डोर तक आया हुआ था। वो डोर नॉक करता है पर आवाज नहीं लगा पाता। त्रिश और उसकी फ्रेंड्स डर गई थी। उन्हें लगा कि स्लैशर होगा। वो दरवाजा खोल नहीं पाए। स्लैशर जेफ को ढूंढ कर पूरी तरीके से मार डालता है। वैलरी की सिस्टर को कब से लग रहा था कि उसे त्रिश के यहाँ पार्टी में जाना चाहिए। वो फाइनली घर से बाहर निकल गई। वैलरी ने देख लिया तो वो भी उसके पीछे पीछे आती है। त्रिश के यहाँ आकर वैलरी डोर नॉक करती है। उसने उन्हें आवाज लगाई। त्रिश और उसकी फ्रेंड को लगता है कि वैलरी अगर बाहर रही तो उसे भी स्लैशर मार डालेगा। कोई भी डोर आंसर नहीं कर रहा था तो वैलरी पीछे से डोर से ट्राई करती है। त्रिश की फ्रेंड ने डोर खोला पर वहां पर स्लैशर था। उसका गला काट देता है। त्रिश अपने फ्रेंड के साथ अपने रूम में जाकर छुप जाती है। डोर पर उसने सब कुछ चीजें लगा दी थी, यानी कि कोई भी अंदर ना सके। वैलरी फिर से आवाज लगाती है। त्रिश की फ्रेंड कहती है कि वो बहुत ही डेंजर में है, हमें उसे हेल्प करनी चाहिए। त्रिश कहती है लास्ट टाइम उसने आवाज लगाया था तो वहां से स्लैशर निकला, शायद उसके साथ मिलकर काम कर रही है। यही बात करते करते पीछे से खिड़की से स्लैशर अंदर आ गया। ये दोनों सावधान होकर उस पर सब कुछ चीजें फेंकने लग जाती है। त्रिश ने बेसबॉल बैट से उसके सर पर मारा। डोर से सब कुछ चीजें निकाल कर यहाँ से वो जाने वाली थी तभी स्लैशर को होश आ गया। वो त्रिश के फ्रेंड को मार डालता है। बाहर वैलरी और उसकी सिस्टर है और त्रिश घर में अकेली। त्रिश फिर क्लोजेट में छुप जाती है। स्लैशर त्रिश को हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करता है पर ढूंढ नहीं पाता क्योंकि त्रिश अपने क्लोजेट में एक प्लास्टिक बैग में थी। वो फिर सब बॉडीज को हैंडल करने लगता है। लिन ने नोटिस किया कि पीछे का डोर अनलॉक था। वो उसकी सिस्टर के साथ अंदर आ गई। उसने देखा कि घर में कोई भी नहीं है। पार्टी छोड़कर सब लोग कहीं चले जा चुके हैं। वैलरी की सिस्टर कहती है इनके फ्रिज में कुछ बियर्स वगैरह होगी, हमें लेकर जाते हैं। वैलरी इसके लिए उसे मना करती है पर उसकी सिस्टर मानती नहीं। फ्रिज जब उसने ओपन किया तो इसमें डेड बॉडी थी। ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए। वैलरी ने अपनी सिस्टर को आगे भागने के लिए कहा तभी वो स्लैशर को नोटिस कर लेती है। उसके सामने भाग नहीं सकती थी तो नीचे जाकर बेसमेंट में छुप गई। स्लैशर ने एक बॉडी बेसमेंट में छुपा दी। वैलरी बहुत डर चुकी थी। उसे सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बेसमेंट के सब टूल्स वो देखती है। सब बॉडीज का ठिकाना लगाने के बाद स्लैशर घर में ही एक जगह पर सो गया। जैसे हमने देखा था त्रिश के कोच ने फोन पर कुछ आवाजें सुन ली थी, यही चेक करने के लिए उसके घर पर वो आई। यहाँ पर स्लैशर को सोया हुआ देखती है। उसके पास आए तो उस पर वो हमला कर देता है। स्लैशर उसे मारने वाला था पर वैलरी की सिस्टर ने उसके पैर पकड़ कर उसे नीचे गिरा दिया। कोच भी उस पर बहुत सारे वार करती है। त्रिश क्लोजेट से बाहर आई, एक नाइफ से उसके बैग पर उसने वार कर दिया। स्लैशर अभी भी जिंदा था। उसने कोच का पूरा पेट ही स्लाइस कर दिया। त्रिश गिर चुकी थी, उसे भी मारने वाला था। कहता है तुम सब लोग बहुत ही प्रीटी थे, मुझे तुम्हें मारना नहीं था पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार में कभी कभी ये चीजें करनी पड़ती है, मुझे पता है कि तुम्हें भी यही चाहिए। उसे मारने वाला था तभी बेसमेंट से वैलरी एक मिशीटे लेकर बाहर आई। स्लैशर जल्दी से भागकर बाहर आ गया। वैलरी उस पर वार कर उसका हाथ ही काट डालती है। स्लैशर ने अपना बैलेंस खो दिया और वो पूल में गिर गया। वैलरी की सिस्टर घर में ही छुपी हुई थी। बाहर आकर उसे गले लगा लेती है। स्लैशर अभी भी जिंदा था। वो पूल से बाहर आया और इन पर झपक पड़ा। वैलरी ने रेजिस्ट किया, भागकर उस पर गिरने वाला था तभी वैलरी ने मिशीटे उठाकर उसके आर पार कर दी और फाइनली उसकी डेथ हो गई। ये पूरी तरीके से एक साइको स्लैशर था। इसे लगता था कि जिन भी लड़कियों को मार रहा है उनसे वो प्यार करता है पर दुनिया से उन्हें छुड़ाने के लिए उन्हें मारना चाहिए। इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आप अपने आप का ख्याल रखिए।